न्यूजीलैंड के लिए क्या है अच्छी खबर। नमस्कार, मैं रिया गुप्ता और आप देख रहे हैं फैक्ट इंडिया स्पोर्ट्स। वर्ल्ड कप के रिस्पेक्ट से न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के लिए अच्छी खबर आई है। आईपीएल में चोटिल हुए केन विलियमसन वर्ल्ड कप में वापसी को पूरी तरह तैयार है। वे न्यूजीलैंड के स्क्वाड में चुने जाएंगे और इसकी पुष्टि खुद टीम के हेड कोच ने की है। हालांकि वह 5 अक्टूबर को इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले पहले मैच के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। केन विलियमसन आईपीएल के पिछले सीजन में फील्डिंग के दौरान चोटिल हुए थे। गुजरात टाइटंस के लिए खेल रहे पहले ही मैच में बाउंड्री पर कैच पकड़ने के प्रयास में वह चोटिल हो गए थे। उन्हें तुरंत स्वदेश लौटाना पड़ा था। सर्जरी के बाद उन्होंने तेजी से रिकवर किया। 5 अक्टूबर से वर्ल्ड कप का आयोजन भारत में होना है और न्यूजीलैंड के कैप्टन 15 सदस्य टीम में शामिल होने के लिए तैयार हैं। न्यूजीलैंड के हेड कोच गैरी स्टेडी ने कहा, उन्होंने अपनी रिकवरी के लिए अभूतपूर्व संपन्न किया है और वह एक्सपर्ट्स के एक मजबूत ग्रुप की निगरानी में है। उन्होंने उच्चतम स्तर पर क्रिकेट खेलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वे स्क्वाड में चुनने की स्थिति में है और इससे हम खुश हैं। उन्होंने आगे कहा, वे जल्द ठीक होने के लिए मेहनत कर रहे थे लेकिन जल्दबाजी नहीं चाहते। जैसा कि हमने पहले कहा है, ये बहुत अच्छी बात है कि वह लंबे समय तक न्यूजीलैंड के लिए क्रिकेट खेलना चाहते हैं। जैसा कि हमने इस पूरी प्रक्रिया में कहा कि हम केन को उसकी रिकवरी के सहायता के लिए हर संभव समय देना चाहते हैं। वर्ल्ड कप कोई छोटा टूर्नामेंट नहीं है और हम टूर्नामेंट तक उनके रिहैब पर नजर रखेंगे। इंग्लैंड दौरे पर केन विलियमसन न्यूजीलैंड टीम के साथ अभ्यास कर रहे हैं, हालांकि वह टीम का हिस्सा नहीं है। घुटने की सर्जरी के बाद वह तेजी से ठीक हो रहे हैं और पिछले महीने जिम अभ्यास आदि शुरू कर चुके हैं। उनकी कैप्टनसी में न्यूजीलैंड टीम पिछले ओडीआई वर्ल्ड कप में फाइनल तक पहुंची थी, जब बाउंड्री के नियम के चलते इंग्लैंड को जीत मिली थी। तब से लेकर अब तक विलियमसन ने 12 वनडे मैचेस खेले हैं। न्यूजीलैंड टीम 11 सितंबर को अपने वर्ल्ड कप स्क्वाड की घोषणा कर सकती है। केन विलियमसन ने 161 इंटरनेशनल वनडे मैचेस में 80.97 की स्ट्राइक रेट पर 6,554 रन बनाए हैं। इस फॉर्मेट में उन्होंने 42 हाफ सेंचुरी और 13 सेंचुरी लगाए। इसके अलावा उन्होंने 94 टेस्ट और 87 T20 में 8,124 और 2,464 रन बनाए। इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर दीजिए। बने रहे हमारे चैनल फैक्ट इंडिया स्पोर्ट्स में।